श्री आपको भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2024 में एडमिशन चाहिए किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, यानी कि किसी भी यूजी प्रोग्राम में। सीबीटी यूजी का आपने एग्जाम दिया था 2024 में, आप सीबीटी यूजी में अपियर हुए थे। अब उसी के मार्क के आधार पर आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी किसी भी कोर्स में एडमिशन चाहिए, जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर, चाहे वो मेन कैंपस हो या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कोई एफिलिएटेड कॉलेज हो, आपको एडमिशन चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए। मैं बताने वाला हूं आपको आपकी काउंसलिंग कब से होगी, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन से रिक्वायर्ड सब्जेक्ट हैं, क्या चीजें हैं, इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लियर करने वाला हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की काउंसलिंग का आखिर प्रोसेस क्या होगा और कब से ये चीज स्टार्ट हो जाएगी, कब से आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए काउंसलिंग के लिए, यानी कि एडमिशन का, आप लोग देखिए एंट्रेंस एग्जाम दे चुके हैं बट आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा, किसके लिए, एडमिशन के लिए, अपने काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, उसे हम काउंसलिंग प्रोसेस बोलते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू आप एडमिशन लेते हैं उस यूनिवर्सिटी के लिए इनरोल करते हैं। तो यही चीज मैं इस वीडियो में आपके साथ क्लियर करने वाला हूं। तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, क्योंकि यहां पर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एडमिशन रिलेटेड सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी, सीबीटी यूजी 2024 की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होगी, चाहे वो रिजल्ट हो, कुछ भी हो, हर चीज आपको यहां पर बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अपनी बात आती है वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए जो अपना काउंसलिंग प्रोसेस है स्टूडेंट्स, वो कब से होगा, फिर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, किस कोर्स में कौन सा सब्जेक्ट आपसे मांगा जाएगा। स्टूडेंट्स यदि हम बात करें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन डेट की, तो आप सभी की जो काउंसलिंग है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए वो अगस्त महीने तक जा सकती है, क्योंकि जब तक आपका सीबीटी यूजी 2024 का रिजल्ट नहीं आ जाएगा, अभी तो आंसर की आपकी पेंडिंग में है, उसके बाद आपकी ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट मस्ट है, बिना रिजल्ट आए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रेशन नहीं स्टार्ट होगा। काउंसलिंग के लिए, एडमिशन प्रोसेस के लिए जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वह स्टार्ट नहीं होगा। अब यहाँ स्टूडेंट आपको समझना होगा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपने ये तो जान लिया कि आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है आपकी काउंसलिंग के लिए वो अगस्त तक जा सकता है, अगस्त महीने में आपका होगा, यानी अगस्त के हम फर्स्ट वीक में मान के चलते हैं, क्योंकि जो आपका रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा 15 जुलाई तक आपका सीबीटी यूजी का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। बात आती है क्या एलिजिबिलिटी होगी आपकी, क्या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए तभी आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन ले पाएंगे, कौन से सब्जेक्ट का मार्क एक्सेप्ट किया जाएगा। यदि हम यहाँ पर बात करें एक एक करके सभी कोर्सेज की, मैं आपके साथ बात करता हूँ, जो सबसे पहला कोर्स है अपना वो है बीए कोर्स। तो बीए कोर्स में आपसे दो डोमेन, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज, ये आपसे मांगी जाएगी, यानी कि 850 टोटल में से आपका जो कट ऑफ बनेगा वो बनेगा। अब आप पूछेंगे सर मान लीजिए कि मेरे पास एक डोमेन के बजाय दो डोमेन के बजाय एक ही डोमेन है, क्योंकि बीए कोर्स में आपका क्या मांगा जा रहा है, दो डोमेन, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज। यदि आपके पास सिर्फ एक ही डोमेन है तो आपकी कट ऑफ उसी के आधार पर बनेगी, आपका जो एक डोमेन है उसका मार्क जीरो कंसीडर किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब 850 टोटल में से बनेगा, लेकिन एक सब्जेक्ट यदि आपके पास नहीं है, आपके पास कोई एक भी सब्जेक्ट मिसिंग है, मान लीजिए आपके पास जनरल टेस्ट नहीं है, तो आपका उस सब्जेक्ट के लिए, उस कोर्स के लिए जो आपका मार्क है वो जीरो कंसीडर किया जाएगा। फिर बात आती है आपके लिए, वो है बीएससी मैथ के लिए। तो बीएससी मैथ के लिए जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और दो डोमेन, वही 850। बीएससी बायो के लिए भी आपसे जो मांगा जाएगा वो 850 में से, यानी कि दो आपका डोमेन होगा, एक जनरल टेस्ट एक लैंग्वेज, ये आपसे मांगी जाएगी। बीएससी होम साइंस में आपसे सिर्फ एक ही डोमेन मांगा जाएगा, एक डोमेन, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज, यानी कि 650 में से आपकी कट ऑफ जो है वो बनेगी। फिर उसके बाद यदि हम बात करें बीकॉम कोर्स के लिए, तो बीकॉम में आपसे एक डोमेन, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, यानी कि 650 में से ही आपकी कट ऑफ बनेगी। बीए एलएलबी के लिए एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट, जो एक जनरल टेस्ट क्या मतलब जनरल टेस्ट और एक ही डोमेन आपका, ठीक है, लिया जाएगा। और 650 में से देखिए लैंग्वेज, मान लीजिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों दिए हैं, तो आप उसमें से जो भी चाहेंगे वो आपको फिल करने का वहां पे ऑप्शन होगा। और यदि ऑप्शन नहीं होता है तो एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आप तीन डोमेन दे चुके हैं, तो वहां पर क्या होगा, जिसका मार्क ज्यादा होगा वो ऑटो ले लेगा, या तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन यदि नहीं दिया गया काउंसलिंग पोर्टल पर, तो आपका जो ज्यादा मार्क वाला डोमेन है वही कंसिडर किया जाएगा। इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे कि सर ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा कम सब्जेक्ट वाला, कम नंबर वाला, कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मेरा कम नंबर है उसको ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो भी ज्यादा नंबर का होगा उसे ही लिया जाएगा। और यदि अपडेट होने का आएगा वहां पे ऑप्शन कि आप खुद से चूज करने के लिए ऑप्शन आता है, तो आप खुद से चूज कर पाएंगे, जिसमें आपका ज्यादा नंबर होगा आप उसे डाल दीजिएगा। अब यहां आपको एक चीज और ध्यान देना होगा स्टूडेंट्स, जो अपनी बात आती है सबसे ज्यादा कि सबसे ज्यादा सीटें जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए कोर्स वगैरह के लिए बहुत ज्यादा सीटें, ये तो आपको पता होगा। लेकिन आपको उसके साथ साथ, मान लीजिए आपके नंबर बहुत कम है,
आपके नंबर बहुत कम का चांस ये है कि 850 में से जिसके भी नंबर 500 प्लस है उसको हम मानते हैं वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में पहुंच जाएगा। बट मान लीजिए आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो आपको एफिलिएटेड कॉलेज की तरफ जाना है। एफिलिएटेड कॉलेज में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, उनका भी काउंसलिंग प्रोसेस सेम होता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीज़ें। कुछ कॉलेज ऑफलाइन माध्यम से भी अपनी काउंसलिंग करवाते हैं, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी निगेटिव नहीं होना है। सीटें बहुत हैं, 4,000 के आसपास सीटें हैं। अभी एक सीट मैट्रिक्स का वीडियो आपको मिल जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के काउंसलिंग के लिए, मैं बता दूंगा कौन से कोर्स में कितनी सीटें मेन कैंपस में है, कितनी एफिलिएटेड कॉलेज में है। बट आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं, सिर्फ बीए कोर्स में बता रहा हूं 4,000 सीटें हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, आपको पॉजिटिव होकर अपनी काउंसलिंग को करना है। डॉक्यूमेंट में आपको अपनी आईडी, अपना फोटोग्राफ, अपनी मार्कशीट जो भी है आपकी, आपका सर्टिफिकेट, कास्ट, इनकम, डोमिसाइल, ये सब रेडी रख लेना है। अपना फोटोग्राफ तो आपके पास होता ही होता है। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। उसके साथ ही आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। तो काउंसलिंग की डेट मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया है, आप सभी की काउंसलिंग आफ्टर रिजल्ट होगी, परेशान मत होइए बिल्कुल भी। ये सवाल आप लगातार पूछते रहते हैं क्योंकि आपको क्या है कि आप थोड़े से हड़बड़ाए हुए हैं, आपके पास थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि काम की भी कुछ कमी है। तो काम की कमी है तो इस टाइम पर डॉक्यूमेंट पर ध्यान दो, उसको तैयार करो और चीज़ों को लेकर आगे बढ़ो। नंबर कितने कम हैं ज़्यादा हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत से कॉलेज, बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जो कम नंबर में बहुत बेहतर बेहतर कॉलेज हैं, बेहतरीन कॉलेज है, मैं कह सकता हूँ, बेहतर की क्या बात है। तो आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।